और अपने जापान में फिर से अर्थक्वेक आ गया। ये बार 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिर से आया जापान में। अर्थक्वेक इतना आम ऐसा हो जा रहा, आम बोल तो हर 2 दिन को अर्थक्वेक आ रहा। अब वहाँ के लोग डर रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे जा रहे भाई आदत से जा रही, जो बैठे उठे अर्थक्वेक आ रहा। यहाँ हॉस्पिटल में अर्थक्वेक आया, ऐसा हिल रहा है पूरा बिल्डिंग, लोग डर के हैरान परेशान। पहले हॉस्पिटल में आदमी डर के रहता, उसके ऊपर अर्थक्वेक बोलते सोचो कैसा हिल रहा था पूरा हॉस्पिटल। पेशेंटों के बेड यहाँ से वहाँ झूल रहे थे, पेशेंट डर रहे क्या तो भी है रे भाई, अच्छे खासे थे क्या तो भी हो जा रहा बोल के। ये काई को हो रहा क्या है नहीं मालूम, साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा। इतने बार अर्थक्वेक कभी भी नहीं आया करते, साल को 2 साल को 10 साल को एक बार आने वाला, हफ्ते में 2 बार आ रहा अर्थक्वेक। इतने बार इस तरह में नहीं आते, दूसरा में घर को नहीं आते, उतने बार अर्थक्वेक आते आ रहा। तो खैर लोग बहुत परेशान है, क्या हो रहा नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। एकदम सब जबरदस्त चल रहा था, एकदम अर्थक्वेक आ गया। यहाँ मैं देखो न्यूज़ रिपोर्टर के ऑफिस में एकदम अर्थक्वेक आया, कैसा भाग रहे देखो लोग, अपने पास नहीं भागते पुट्टे, पूरे सामान बैग में डाल लेके, सहित के करके वीडियो लेके सेल्फी लेके ये वो डाल के डालते। लेकिन वहाँ देखो लोग कैसा भाग रहे देखो, टेबलों के नीचे यहाँ छुप रहे। तो वहाँ के लोग क्या है मेंटली प्रिपेयर्ड है अर्थक्वेक के लिए, लेकिन अपने पास ऐसा नहीं है। अपने पास क्या है, लोग बहुत सुकून से वाली मामे के सर का, अरे क्या तो भी हो रहा, अरे भाई कहीं को हो रहा, ये हो रहा। देखो अपना सिटी के कैमरे में कितना जोर से आया, देखो कल कैमरा का जूम रहा देखो आप लोग। तो खैर सुनामी का वार्निंग तो बोलते जा रहे लोग, बोल तो इतने बार अर्थक्वेक नहीं आना अच्छी बात भी नहीं है बोलते लोग, इतने बार अर्थक्वेक आना कयामत की निशानी बोलते हैं, लेकिन फिर भी अपने लोगों ने सुनते। यहाँ देखो एकदम रोड पे गाड़ियाँ जा रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया एकदम, देखो फिर भी लोगों के गाड़ियाँ चला रहे जा रहे। खैर रोड पर है तो कुछ खतरा नहीं है, कहीं को तो कुछ गिरने का खतरा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन घर में है तो खतरा रहता, कहीं तो घर कहाँ गिर जाता नहीं मालूम। ऐसे वहाँ के घर अर्थक्वेक प्रूफ बनाते, गिरे तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कहीं को तो रूफ वहाँ लकड़ी के रहते तो गिरे तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। यहाँ अर्थक्वेक है, यहाँ एयरपोर्ट है देखो अपना, एयरपोर्ट में क्या है प्लेन लैंड होने का लोग इंतज़ार कर रहे थे, एकदम आ गया अपना बड़ा अर्थक्वेक। तो देखो आप लोगों का ऐसा एकदम झूम रहा, यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती, कहते तो खुला मैदान है, गिरे तो भी ऊपर से कुछ गिरने वाला नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर के लोग बहुत डर गए, और जो प्राइवेट प्लेन लैंड करने वाला था उन्हें सोचो क्या करेंगे। ये लाइब्रेरी देखो, यहाँ मुश्किल से लोग बुकाम पर जमा हिसाब से बोलते हो, वहाँ एकदम अर्थक्वेक आके देखो पूरे बुकाम पर रैक में से नीचे गिर गए। अब वो लाइब्रेरी का इंचार्ज बोल रहा, अरे कौन जमा थे फिर से, परसों में जमा यहाँ पूरा, फिर से गिर गए देखो आप लोग। इतना खतरनाक अर्थक्वेक, खतरनाक वाला अर्थक्वेक आ गया जापान में। इसी से दोबारे महीने में अर्थक्वेक आ गया, मैं 2-3 बार वीडियो बना दिया, अर्थक्वेक आ रहा आइसलैंड में, वॉल्केनो निकल रहा, क्या क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, हर चीज़ नई नई चीज़ें हमारे देखने को मिल रहा। एक तरफ है कि कोरोना जाने का नामो निशान नहीं ले रहा, वेव 2 वेव 3 वेव 4 बोल के गोलमाल के सर के पार्ट पे पार्ट्स आते जा रहे, तो लोग वहाँ भी परेशान है, यहाँ भी परेशान है, क्या करना कैसा करना किसको भी कुछ समझने तो नहीं आ रहा। खैर जो भी है आप लोग दुआ करो कि सब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल तो दूर तक भी होने का नामो निशान नहीं है। खैर जो भी है आप लोग घरों में रहो, सेफ रहो, मास्क पहन लेके फिरो, और जितना हो सकता है पब्लिक प्लेसेस में जाने से अवॉइड करो, और ये वीडियो ऐसा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को वायरल करो। थैंक यू वन सेकंड फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू।